देख रहे हैं रात को ही, एक हफ्ते से जो है मेरे को ये वायरल और ये फूड पॉइजनिंग का सिलसिला ऐसा चल रहा है। बुखार बहुत था, नजरें लग रही हैं मेरे ऊपर सारी जगह से, आप जानते हो। तो ये पर आज जो है, आज के प्रोग्राम के आयोजक हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और मेरे भाई राव कमलवीर जी के द्वारा किया गया है, सारा आयोजन इनका है। और आप जानते हो कि ये सिलसिला जो है हमारा किरण कुमार कार्यकर्ताओं के द्वार वाला कार्यक्रम जो है, ये हर एक जिले वाइज हम कर रहे हैं, जिले जिले वाइज हम जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ होती है, और पत्रकारों के साथ बातचीत करने के बाद फिर जो है सारे हलके के अंदर, पूरे जिले के अंदर लोग अपनी चाय पानी रखते हैं। वहाँ चाय पानी के लिए मैं सबके पास जाती हूँ, ताकि जो कार्यकर्ता घर बैठे हुए थे, जो अभी तक निकले नहीं, जो अपने आप को पूरी तरह से अपेक्षित महसूस कर रहे थे, मायूस महसूस कर रहे थे, वो जो है सारे के सारे, उन लोगों को हम निकाल पाएं, उनके साथ हमारा संवाद हो सके। क्योंकि जब मायूसी आ जाती है कार्यकर्ता के अंदर, तब कार्यकर्ता इधर उधर भागने की सोचने लगता है। और आप देख रहे हैं कि एक बड़े क्रूशियल जंक्शन के ऊपर हम खड़े हैं, या जो पार्टी आगे का तभी बढ़ सकती है अगर पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता जो है वो सारा एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ सके। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की मुहिम जो है, ताकि एक तरफा पूरा काम ना रहे, दूसरा धड़ा भी जो है उसको भी ये लगे कि हाँ हमारी भी आवाज है, और वो आवाज को आगे बुलंद करने के लिए मैं निकली। और इसी तहत ये मेरे ख्याल में आठवां जिला है हमारा, आठवां प्रोग्राम है। जब हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ, सोनिया गांधी जी के कर कमलों द्वारा जो है मैंने जो करवाया, तो तब से लेकर अब तक वो लोग बहुत ही अपने आप को ठगा से महसूस उन्होंने करा है, क्योंकि वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाए 2005 के अंदर। और जो हम उनके साथ जो हमारे नए लोग लगे, उन्होंने भी ये देखा कि जो है हर चीज जो है सीमित होके रह जाती है एक तरफ। तो पार्टी के अंदर जो नेशनल पार्टीज होती हैं, उसके अंदर काम जब सीमित होने लगता है तब आगे बढ़ावा नहीं होता। ये धड़े सब एकजुट मिलकर काम करें, जैसे 2005 के अंदर करा था, हरियाणा विकास पार्टी का विलय हुआ था, एक तो वो बहुत बड़ा बात थी, दूसरा जो है सारे नेताओं ने मिलकर काम करा था, सबने इकट्ठा के काम कार्रवाई करी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि 60 तो सब इकट्ठे जो है मिल मिलाकर सबने जब काम करा तब ये नतीजा उसका आया। उसके बाद 2005 के बाद ये हमारे हुड्डा साहब भी बैठे हुए, हमारे रोहतक से आए हैं, आप जानते हो पूर्व हमारे मंत्री रह चुके हैं, लेबर मिनिस्टर बहुत ही इनका जो है कौन नहीं जानता हरियाणा के अंदर, और बहुत बेबाक तरीके से हमेशा अपनी बात इन्होंने रखी है। तो ये इस तरह के सारे लोग इग्नोर होने शुरू हो जाएं, तब आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त मायूसी छा जाती है। और कार्यकर्ता जो है वो ये चाहता है कि सब अगर मिलकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये इस कार्रवाई के लिए ये कार्यकर्ताओं को उनके घर के अंदर उनको संतावना देकर, उनके साथ जो हमारे साथी हैं उनको जोश भरने के लिए, क्योंकि एक साल रह गया इलेक्शन का, उस जोश के साथ जो है वो आगे दोबारा से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, इस जोश को लेकर जो है ये इस मुहिम को लेकर मैं सारे हरियाणा में चली हूँ। और खास तौर से सारा हरियाणा जानता है कि खाली भिवानी तक हम सीमित नहीं है, हमारा हरियाणा पूरे हरियाणा के अंदर, पैन हरियाणा के अंदर प्रेजेंस है। और वो लोग अगर पूरे के पूरे संगठित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में अगर सबने इकट्ठे मिलकर काम करा तो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाई। तो इस मुहिम के साथ जो है मैं निकली हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करूं और अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाऊं। और मेरे बारे में सब ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं बेबाक तरीके हूँ, कोई मेरा लोभ लालच नहीं है किसी पद का, मेरे को कोई किसी तरह का वो नहीं है। केवल और केवल जब राजनीति के अंदर आई हूँ
तो राजनीति एक सेवा का माध्यम है। चौधरी बंसीलाल जी हमेशा कहते थे कि राजनीति में आना रखते हुए मैं ये जो है ये कार्रवाई नहीं है, बाहर निकली हूँ, किसी चीज का लोभ लालच नहीं है, केवल कार्यकर्ता जो है उसकी आवाज बन सकूं, दूसरी बात कि जो अपेक्षित महसूस कर रहा है उसको जो है हम जोश दोबारा से भर सके, हम जो है उनकी भी सुनवाई पूरी तरह से हो, उनकी आवाज में बनू। विधानसभा में आपने देखा है जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं सारे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मैं जो है बेबाक तरीके से जो है अभी नहीं बहुत सालों से रखती आ रही हूँ। पिछले 5 साल में सीएलपी की लीडर थी, संगठन के अंदर सबसे आती हूँ और जो मेरे पास अपनी बात लेकर आता है उसको मैं आगे करती हूँ। मेरा काम केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है और उस मजबूती के लिए मैं आगे निकली हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कमलवीर जी जैसे मैं तो बैठा है हुड्डा साहब तो है ही, लेकिन ये लोग भी इन्होंने जब से ये पार्टी में आए हैं ये भी अपने आप को इसी तरह से महसूस कर रहे हैं। जो आदमी जिसका जनाधार है जो काम कर सकता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और जो हिस्से मजबूती के साथ मैंने देखा है जहाँ खड़े होते हैं वहाँ खड़े होगा। मैंने बयान किया था वो बयान वहाँ सुना था यहाँ पत्रकार सुनना था तो मैंने पहले ही कह चुकी हूँ। देखिए उदयभान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जिस पद के ऊपर वो आसीन है वो बहुत ही गरिमामय पद है और मैंने पहले भी कहा कि जो भी इस पद पे आसीन होता है उसको अपनी गरिमा रखनी बहुत जरूरी होती है। जो पद पे आसीन होता है ये उसका काम है गरिमा रखना। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, बाकी तो सारे हरियाणा मेरे बारे में जानता है, हरियाणा के मैं क्या अपने मुंह से क्या कहूँ। दूसरी बात ये है कि जो पद हमेशा, चाहे अशोक तंवर जी आज हमारे बीच में नहीं है वो बाहर दूसरी पार्टी में चले गए, शैलजा जी हमारी अध्यक्ष नहीं है पिछले 2 साल से, मैंने हमेशा जो पार्टी का कार्यक्रम होता है, सीएलपी की लीडर मैं भी रही हूँ, संगठन की लीडर रही हूँ तो और सीएलपी का नेता भी वही बनता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, जैसे आज हुड्डा जी है वैसे ही सर्वश्रेष्ठ मैं थी तब मैं बनी। ये चुनाव की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा, अब मैं फिर दोबारा दोहरा दूंगी कि उस समय पार्टी अध्यक्ष उदयभान जी नहीं थे, शायद उन्हें मालूम नहीं है, उनको पूछ लेना चाहिए कि जब मेरे को ये बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था सारे सीनियर नेताओं को बिठाया गया था। मेरे को आपत्ति ये बिल्कुल नहीं है कि किसको आप टिकट दे रहे हैं, वो हाई कमांड का काम, बिल्कुल आपत्ति नहीं है हमारी, और जेपी इलेक्शन लड़े हैं उससे भी हमारे को कोई आपत्ति नहीं। मैं अभी बोल रहा हूं लेकिन ये होता क्या है कि ये काम प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि वो सबको बुलाए और सबसे सलाह मशवरा करे। एक तरफा जो है अगर जब काम होता है तो बाहर जो लोग देखते हैं वो फिर समझ जाते हैं कि ये तो एक तरफा काम हो रहा है, वो अच्छा नहीं होता। मैंने दिया था क्योंकि उस पद की गरिमा है और मेरा तो उनसे कोई निजी तो मेरे से उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं है। और क्या कहते हैं, हम तो उनमें से जिन्होंने इनकी हाँ करी थी कि हाँ इनको बनने दो, सच्चाई है ही, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी फोन करके नहीं पूछा। हमारा संगठन बनाया, अभी संगठन के लिए मैं आज के दिन कुछ भी ना हो एमएलए तो हूँ, मेरे से नहीं किसी भी तरह से नहीं। तो ये काम जो है ये शैलजा जी जब थी प्रदेश अध्यक्ष फोन करके हमारे से पूछती थी कि जी अपनी लिस्ट भिजवा दो, अपना नाम भिजवा दो, कोई मीटिंग होती थी शैलजा जी बुलाती थी हमारे को कि इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं क्या करना चाहिए। जब एलनाबाद की चुनाव हुआ था जब मीटिंग बुलाई उन्होंने शैलजा जी ने और ये कहा कि भैया आपने अपना टाइम दे दो, किस तरह से कहाँ पे किस तरह जाना है। बड़ौदा के लिए भी जो है हम सारे के सारे बैठे कि कहाँ पे हमने प्रोग्राम करने, ये प्रोग्राम फिट करना अध्यक्ष का काम है, हम अपने यूं ही थोड़ा मुंह जाके खड़े हो जाएंगे। जब अध्यक्ष बोलेंगे कि ये फला जगह पर आपका प्रोग्राम फिट करा है, तारीख हम बेशक दे दें लेकिन ये फला जगह हम कर रहे हैं तभी तो हम जाएंगे। अब मान सम्मान जो है भाई, जिंदगी में 35 साल जो है
राजनीति कर ली है, 5 बारी की MLA बन चुकी हूँ मैं, और सारे ऊंचे पदों के ऊपर जो कांग्रेस के पद हैं हरियाणा के अंदर उसमें तो मैं रह चुकी हूँ। तो ये मान सम्मान मिलेगा तो मान सम्मान देने में मैं कभी कसर नहीं छोड़ती। मैं हमेशा प्रदेश अध्यक्ष के साथ मैंने काम करा है, चाहे तवर हो चाहे ये शैलजा जी हो, लेकिन आप ये बात दूसरों से जरूर पूछेगा कि उन्होंने करा या नहीं करा। ये अब आप बताइए, जब अध्यक्ष हमारे को फोन करके बात करने के लिए हमारे से गुरेज करते हैं तो हम उनके साथ कैसे हम उनको वो करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि हम उनके साथ चले, लेकिन वो हमारे को मौका ही नहीं देते। ये तो आप उनसे पूछेगा भाईजान, मैं कैसे कह सकता हूँ। आपने दूरी बनाकर रखी प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं आप प्रचार करती तो जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको और ज्यादा वोट मिल पाते। मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया सारी बात को आपको, मैंने बताया कि जो हालात, जो आदमपुर का तो चुनाव हो चुका है तो उसके ऊपर, वो तो अतीत के अंदर घटना चली गई है तो उसके ऊपर तो अब बात करने की कोई बात ही नहीं। लेकिन मान सम्मान के साथ अगर उदय भान जी ने ये बात बोली होती कि किरण जी आप आइए क्योंकि अध्यक्ष हैं वो हमारे, समझ गए अध्यक्ष ने ये बोला होता कि आप किस बात पे नाराज होना, कौन क्या बने क्या नहीं बने, ये तो सारा समय का वो फेरबदल है, कोई ऊपर आएगा कोई नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो हमेशा तो किसी ने रहना नहीं है, तो इस पे मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं भी रह चुकी हूँ, मैं भी छोड़ चुकी हूँ वो पद, तो ये चक्कर नहीं है। यहाँ तक कार्यकारिणी अध्यक्ष की बात है, एक मिनट, कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है इसलिए बनाए गए थे, सुरेश गुप्ता जी हैं, श्रुति चौधरी हैं अपने वहाँ पर, जितेंद्र भारद्वाज जी और एक वो अपने रामकिशन गुर्जर जी। अब जो है कार्यकारिणी अध्यक्ष पहली बार क्यों बनाए गए हैं आप ये बताइए। कार्यकारिणी अध्यक्ष इसलिए बनाए गए हैं कि उनको भी कि सारा जिम्मेदारी जो है ना हो, उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी जाए, है ना, तो उनको भी बुला के कभी अलग से तीनों चारों को कहते हैं। अब दिनेश भारद्वाज जी को तो बेशक बुलाते हो, लेकिन ये बाकी सुरेश गुप्ता और श्रुति और इसका रामकिशन गुर्जर जी का तो